और ये देखिए प्यारे प्यारे धनिया की फूल और ये प्यारे प्यारे मटर की फली ढेर सारी लगी हुई है, ढेर सारी। और ये मधुमक्खी भी है मेरे गार्डन में, और ये छोटा सा किचन गार्डन हमारे घर के पीछे। देखिए ये खेसारी का साग है, खेसारी ज्यादा खेसारी ही बोलते हैं नहीं नहीं प्योर खेसारी ही है। और इसमें भी मटर की लगी हुई है और सब में मटर की फलियां भी आ रही हैं और मटर की पौधे भी लगे हुए हैं और उसकी फ्लावर्स, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी धनिया हो गई, लेकिन आज मैं इसमें से ले जाऊंगी पत्तियां तोड़कर और आज मेरे यहाँ बनने वाला है धनिया का चटनी और पीठा, जो मुझे बहुत पसंद है। चावल के आटे का बनता है और उसमें मैं आलू का जो है क्या भरता, चोखा बोल सकते हैं, भरता बोल सकते हैं, वो भरते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस उसके लिए मैं ये धनिया की चटनी बनाऊंगी और पीठा बनेगा, तो मैं ये पत्तियां तोड़ रही हूँ। और कितना फ्रेश लगता है ना, एक ही जगह रहने से अजीब सा लगता है। और ये सडनली हमारा प्लान बन गया यहाँ आने का। दीदी भी कितने दिन से सोच रही थी, नहीं आ पा रही थी, तो वो भी आई मेरे साथ, वो और मैं भी आ गई उनके साथ। मुझे भी जाना है अपने मायके, क्योंकि मम्मी पापा को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और ऐसे भी टाइम मिलता नहीं है। तो फिर मैं टाइम निकाल कर मैं सोची कि नहीं मैं चलती हूँ, मैं रखते जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई बर्तन नहीं लाई हूँ जिसमें मैं ये पत्तियों को तोड़ सकूं। और अभी मुझे तोड़ना ही है, तो बस मैं तोड़ रही हूँ। तो मैंने इतनी पत्तियाँ तोड़ ली है और इतना सफिशियंट है हमारे लिए। और यहाँ क्योंकि फ्रेश पत्तियाँ हैं, तो मैं फ्रेश ही तोड़ूंगी और फ्रेश बनाऊंगी जब भी खाने का मन करेगा तो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है मेरा सेल्फ हीलिंग टाइम है। और रात में मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ जो भी है पीठा, और बना तो नहीं रही हूँ, बस कैसा लग रहा है बनने के बाद। क्योंकि जब हम कम टाइम के लिए आते हैं ना, तो अपनी फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ मेरा पहला दिन है और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, और इसके बाद मैं जाऊँगी अपने मायके। तो मैं आज बना रही हूँ चटनी, और जो मैंने बताया था पीठा, तो अभी चटनी आज मैं बनाऊँगी बिल्कुल देसी तरीके से, पीस पीस के। और देखिए ये लाइट सही नहीं है, लाइट इधर है, तो उसको माइंड मत करिएगा। और आज मैं बनाऊँगी सिलवट पर, और इसको अच्छे से धोना पड़ेगा, और मुझे पीसने भी नहीं आता है, लेकिन मैं इसी पर बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए मैं इसी पर बनाऊंगी। और इसको अभी धोकर बहुत अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि माँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, इसको मैं ही यूज़ करती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, पहले धो लूँ। तो मैंने इसको धो लिया है बिल्कुल भी। अब इस पर मैं रखने वाली हूँ ये धनिया, और ये है धनिया, टमाटर, और ये है लहसुन, और दो मिर्च। मैंने ठीक से दिखाया नहीं तो। और लेकिन इतना पिसने में ना मेरा 12 बजने वाला है, क्योंकि मेरी भी आदत नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं पिसती और इतना अच्छा म्यूजिक निकलेगा मेरे चूड़ियों से, और आप लोग भी सुनिए और इंजॉय करिए। ऐसे कर लेती हूँ ना। तो ऑलमोस्ट धनिया की चटनी वो है जो रेडी है, अभी थोड़ा और इसको मुझे बारीक करना है ये। तो चटनी बन गया है, और अब फाइनली मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल प्योर और नमक। फ्रेंड्स अब हो गई है रात और मैं जा रही हूँ सोने। स्किन केयर मैंने कर लिया है, बस धोकर और धो लिया है फेस, और बहुत नींद।
सारी, क्योंकि ट्रेन में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, और ट्रेन का ही सफ़र है यहाँ बाई प्लेन आने में डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले रांची आना हो उसके बाद यहाँ आ सकते हैं, तो इसलिए हमने ट्रेन ही चूज़ किया। और अब मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ आप लोगों को पूरा इंटरटेन कर, आप लोगों को पूरा इंटरटेन कर सकूँ, और आप लोगों से जुड़ाव से हो गए जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, लगता है कि उनके लिए मुझे वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ कमेंट करें, कुछ सुझाव दें अगर आपके पास है तो, और ऐसे ही बने रहें साथ और मेरी वीडियो को देखते रहें और प्यार देते रहें। ओके, तो बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में।